हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आसाम का एक स्पेशल जो बिहू में यूज़ किया जाता है, एक स्वीट बनता है, उसका नाम है पीठा। तो उसके लिए हमें बस ये चार चीज़ें चाहिए होती है। ये है चावल का आटा, पिसा हुआ चावल का आटा, बारीक पिसा होना चाहिए। और ये हमने नारियल ले लिया है, 3 नारियल लिए हैं, उसको आपको पीस लेना है, शेडेड कोकोनट है। ये है गुड़, और हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। मैंने काजू और किशमिश लिया है। तो बस इन चारों चीज़ों से पीठा बन जाता है। उसके लिए हमने पहले कढ़ाई ले ली है, उसे हमने गरम करना। मैंने 3 कप डाल दिया है चावल का आटा, और अभी हम इसको फ्राई करना है। हमको इसको लो फ्लेम में ऐसे ही धीरे धीरे फ्राई करते रहना है, करछी आपको हिलाते रहना है, नहीं तो फिर ये जो है नीचे से बहुत जल जाता है। हमने साथ ही वाले गैस में गरम पानी रख दिया था, इसमें थोड़ा ज़्यादा गरम पानी चाहिए। अब आप देख सकते हैं हमने फ्राई करा है, तो इसका कलर जो है थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट ब्राउन हो। तो इसमें हमें गुड़ ऐड कर देना है। इसमें गुड़ के बदले आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं आपको, तो इसलिए हमको ये सब साथ में डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये एकदम लो फ्लेम में धीरे धीरे करना है, नहीं तो ये सब जल्दी जल जाता है। तो आपको इसको दोनों को मिला लेना है और गुड़ को पिघलने देना है अच्छे से। साथ में ही इसमें हमने जो काजू किशमिश काट लिया था वो भी हम सब डाल देंगे। अभी भी देख सकते हैं आप, ये गुड़ सब जो है पिघला नहीं है, तो इसको आपको धीरे धीरे गर्म होता रहेगा तो ये पिघलता रहेगा। साथ साथ में हम इसको जो है गूंदना स्टार्ट कर देते हैं। हमने गर्म पानी ले लिया है और आपको चम्मच से करना है, नहीं तो फिर हाथ जल जाएगा। तो गर्म पानी से आपको इसको धीरे धीरे। ये तो हमारा डो तो रेडी है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है कलर भी चेंज हो गया, नारियल का वाइट से ये लाइट लाइट ब्राउन हो गया है, गुड़ भी जो है पिघल गए हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारे चैनल में आपको ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स वाले आइटम्स के रेसिपीज आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी एक भापा दही डाला था, उसमें बस 2 ही चीज़ें चाहिए थी, आप ज़रूर उसे ट्राई करना। मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हमारा जो है फिलिंग भी ठंडा हो चुका है, डो भी बन चुका है, तो अभी हम थोड़ा सा इसमें से ले लेंगे। आपको थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, फिर इसको हाथ में लेके आपको ऐसे फ्लैट करना है। ये टूटते रहेगा तो आपको इसको ध्यान देना है कि ये साथ रहे, क्योंकि ये चावल का आटा है। तो ये थोड़ा ऐसा मोटा सा ही रखना है आपको, पतला नहीं करना है। फिर अब हम इसकी फिलिंग लेंगे अंदर। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा ही लूँगी, पर आपको ध्यान रखना है कि ये बाहर ना निकले। तो इसको साथ कर लीजिए और इसको धीरे से पास लाइए और इन सबको जॉइंट कीजिए, सारे साइड्स को। फिर हम इसको धीरे से साथ में ज्वाइन कर लेंगे। फिर आपको जो अगर एक्स्ट्रा ऊपर का डो ज़्यादा लगता है तो आप वो थोड़ा निकाल सकते हैं तोड़ के। तो आपका जो है एक पीठा जो है तैयार है। अब हम क्या कर, हमने जो है इडली का जो बर्तन होता है उसमें हमने नीचे पहले ही पानी डाल के रख दिया है। हमने अपने गार्डन से हल्दी का पत्ता था उसे धो लिया है अच्छे से और पीसेस में काट लिए हैं। अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे और आपको ऐसे ही करके सारे बनाते जाना है और साथ साथ रखते जाना है। इससे टेस्ट जो है पीठा का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप ये जो है हल्दी का पत्ता नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इडली के बर्तन में नीचे पानी डाल दिया था, पानी डालना भूलिएगा मत, क्योंकि इसको हमको स्टीम करना है। और वो गर्म हो गया था, फिर उसके बाद मैंने ट्रे में ये सब को रख दिया है अच्छे से कवर करके। और हम इसका अभी ढक्कन जो है बंद कर देंगे। फिर आपको अभी इसको स्टीम होने देना है अच्छे से। उसके फिर आपको हर 5 मिनट के अंदर या फिर 2-3 मिनट के अंदर चेक करते रहना है, जब तक उसका जो ऊपर का कवर जो है स्टिकी और थोड़ा टाइट जैसा ना हो। तो अब आप देख सकते हैं कि बन गया है, क्योंकि इसका जो कलर जो है चेंज हो गया है। और जब हम इसको टच करते हैं तब ये पहले अंदर घुस जाता था कच्चे में, अभी जो है ये टाइट सा आपको फील होगा। तो ये पक गया है, और आपको अभी गैस बंद कर देना है और ढक्कन को ढके रहने देना है, जिससे जो है बाकी जितना भी थोड़ा पकना बचा होगा वो भी पक जाएगा। हमारा जो पीठा जो है अब ठंडा हो गया है, मैंने टच कर तो ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। तो मैं अब इसको खोल के आप देख सकते हैं स्टीम निकल रहा है इसमें से अभी, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हल्दी के पत्ते की वजह से, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा लग रहा है। और ये सब अच्छे से देखिए बन चुका है, अब ये टूट रहा नहीं है, टाइट है ये। तो ये अच्छे से स्टीम हो चुका है, चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है,
और इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आपने देखा कितना इजी था ये पीठा बनाना। आप एक नॉर्थ ईस्ट स्पेशल बीहू में जब बनाते हैं तो आप घर में आप ट्राई कर सकते हैं आप और इन्जॉय कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसे घर में बनाइएगा। और मैंने एक और पीठा बनाया है पातिशाप्ता बंगाली डिज़र्ट, आप उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी है। आई होप आपको ये हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही अच्छे और यूनिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल फूड सुनामी को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर घर में बना के इंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।